गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो सुबह का टाइम है, अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज हमने डिनर पे इनवाइट किया है, तो अब उसी की तैयारी करूंगी। मैं, आप सबको पता है, मैं थोड़ा सा जल्दी टाइम से पहले रेडी रख देती हूँ सब कुछ। तो 4-5 बजे सब कुछ रेडी कर दूंगी, ताकि घर क्लीन वगैरह कर लूँ। वो लोग 6:30 बजे तक आ जाएंगे। तो 3 फैमिलीज को हमने इन्वाइट किया है। तो ये इन सब लोगों को ना, आपने जो लोग मेरा ब्लॉग पहले से फॉलो करते हैं, मतलब पुराने वाले घर से, तो उन्होंने देखा होगा इन सबको। बट अभी तो कोविड के टाइम के वजह से ना ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो पाता, बट अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है फिर से। तो जो एक तो ओडिया फैमिली जो हमारे बिल्डिंग में रहते हैं वो आएंगे, और एक दिल्ली से हैं। जब हम लोग पुराने वाले बिल्डिंग में रहते थे उसी फ्लोर में हम लोग रहते थे, तो वो आएंगे। एंड और एक ओडिया, मतलब उस टाइम पे उनकी शादी नहीं हुई थी, वो भी ओडिशा से हैं। तो जब हम लोग इंडिया गए थे ना भाई की शादी के टाइम पे, उसी टाइम पे उनकी शादी हुई थी, बट हम लोग अटेंड नहीं कर पाए थे, हम लोग दिल्ली में थे। तो उनको बुलाया है। एक्चुअली वो अपनी वाइफ को लेके आ गए हैं, कब से आ गए, हनी बनी के बर्थडे पे भी वो लोग आए थे, बट फिर घर पे बुलाना, मैं कोविड में फंसे, ऐसे ऐसे करके फिर हो नहीं पाया था। फाइनली आज मौका मिला है, तो बस आज मतलब पहले की तरह वही सब पुराने लोग जो है वो इकट्ठा होंगे। तो इसीलिए आज जो जितने भी लोग आ रहे हैं ना, सब लोग नॉन वेजिटेरियन है, बस संगीता जो है वो वेजिटेरियन है। एंड जो लोग ओडिशा से, उनको समझ में आएगा कि ओडिशा के लोग, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो ज़्यादा फिर नॉन वेज के साथ में वेज खाना और ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। बट नीरज फैमिली जो है वो दिल्ली से हैं, वो आएंगे। संगीता वेजिटेरियन है, तो ऐसे वेज नॉन वेज दोनों रहेगा। तो स्टार्टर मैं बना रही हूँ, मैं नॉन वेज में चिकन अफगानी एंड नॉन वेज में एक सलाद पास्ता बना लूंगी, एक कॉर्न चाट टाइप का बना लूंगी इस टाइप का, और अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है। एंड मेन कोर्स में वेज बिरयानी बना दूंगी, एंड एक मटन रारा बनाऊंगी, जो कीमा मटन एंड मटन के पीसेस डाल के बनाते हैं वो, एंड रोटी चावल सलाद पापड़ यही सब रहेगा। ऑरेंज मोहितो आज का मेरा अभी चल रहा है, मेरा सिग्नेचर तो वो रहेगा। मीठे में मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी देख रहे हो इतने लोगों, मतलब बुला रही हूँ ना घर पे, तो सब लोग ऐसे ड्रिंक स्टार्टर देन मेन कोर्स के बाद कोई भी मीठा खाने के लिए राजी नहीं होता है। तो अगर मन किया तो घर में इतनी सारी मिठाई रखी है, जो कल रसगुल्ले वगैरह सब लाए थे, या नीचे शॉप है तो वहां से ले आएंगे, नहीं तो आम वगैरह है वो सब खा लेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिकन अफगानी की रेसिपी आई थिंक मेरे चैनल पे है, बट 2 साल पहले मैंने शायद शेयर किया था, तो आज मैं शेयर करूंगी। बाकी थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं शेयर करूंगी। अफगानी चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 किलो चिकन लिया है, उसी हिसाब से मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करूँगी। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 2 किलो चिकन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 नींबू का जूस, उसका जूस जो है वो निकाल लूँगी। देन यहाँ पे जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था, तो वो करीब मैं 3 चम्मच ले रही हूँ, 3 छोटे चम्मच। देन यहाँ पे दही ऐड करेंगे, दही करीब में 3 बड़े चम्मच ऐड करी हूँ। ये जो रेसिपी है ये, इसमें हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर ये सब नहीं जाता, ये थोड़ा सा वाइट ग्रेवी बनता है, इस वजह से दही जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है। देन यहाँ पे कुकिंग क्रीम मैंने लिया है, तो यहाँ पे ये है 250 ml का कुकिंग क्रीम, तो ये मैं पूरा इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास कुकिंग क्रीम नहीं है देन आप मलाई भी ले सकते हो। तो बस इसको सारा ऐड कर दिया है। देन इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, देन हरी मिर्च थोड़े से ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग लाल मिर्च नहीं ऐड करें तो हरी मिर्च थोड़ा सा ऐड कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे करीब 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर एंड चाट मसाला 1 चम्मच ऐड करेंगे। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। आप चाहो तो इसी स्टेज पे थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने बाद में ऐड किया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, आप अपने पसंद का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। बस इसको मिक्स कर देंगे, देन इसको मैरिनेट करके रख देंगे करीब 3 से 4 घंटे। अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करके रख सकते हो देन ऑल्सो इट्स गुड। देन यहाँ पे मैंने पास्ता के लिए पानी गरम कर लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, एंड यहाँ पे पास्ता ऐड कर दूंगी। तो यहाँ आज मैं सलाद पास्ता बनाऊंगी, तो बस इसको मैं बॉईल कर लूंगी। तो ये अभी हो गया है, इसको अभी छान लेंगे। देन अभी मैं मटन बना लूंगी, जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, बट हम लोग मोस्टली नॉन वेज में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। थोड़ा सा चीनी ऐड किया है, उसको कैरमलाइज कर दिया ताकि कलर अच्छा आए। सारे खड़े गरम मसाले जो है वो ऐड कर दिए हैं, जीरा थोड़ा सा ऐड किया है एंड तेजपत्ता जो है वो ऐड कर दिए हैं, एंड यहाँ पे प्याज जो मैंने स्लाइस करके रखा था वो ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का सा हम लोग भून लेंगे,
करीब हल्का सा ब्राउनिश कलर होने तक इसको भून लेंगे। देन मटन को मैंने मैरिनेट करके रखा था, बस हल्दी एंड नमक डाल के उसको मैरिनेट करके रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे और कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो मटन को इसमें हल्का सा भून लेंगे, करीब 5 मिनट तक भून लेंगे। देन इसमें मैं ऐड करूंगी वही जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्च का पेस्ट, करीब 3 बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मटन जो है वो 1.5 किलो है एंड कीमा मैं ऐड करूंगी इसमें, तो करीब करीब 1 किलो 700 के आसपास मटन है, तो इसी हिसाब से मैं ऐड कर रही हूँ। देन यहाँ पे उसको ढक के कुक किया था करीब 15 से 20 मिनट। ऊपर से मैंने हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मीट मसाला ऐड किया हुआ था। इसको भुना है करीब, जब तक मटन जो है 50% कुक ना हो जाए तब तक उसको अच्छे से भून लिया। देन इसमें मैंने कीमा ऐड कर दिया है, करीब 250 ग्राम कीमा है ये एंड 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो है वो ऐड कर दिए। बस अभी उसको कुछ नहीं करना है, इसको बस धीमी आंच में भूनते रहना है जब तक मटन जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाए। बस ऊपर से धनिया पत्ता, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे एंड मटन रारा जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो बीच बीच में यहाँ पे सारा मैं कटिंग वगैरह भी कर रही हूँ। तो अभी हम लोग वेज बिरयानी बना लेंगे, जो प्रेशर कुकर में बनता है ना, बहुत ही इजी होता है, जल्दी बन जाता है एंड खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो वही बना लूँगी। यहाँ पे प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें जहाँ फ्राइड अनियंस बना दूँगी। तो पहले ये अनियन जो है वो फ्राई करके उसको निकाल लेंगे। इन सेम ऑयल में हम लोग जो भी खड़े गर्म मसाले होते हैं ना वो सब कुछ ऐड कर देंगे, तेज पत्ता ऐड कर देंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जीरा ऐड किया है। देन थोड़ा सा और प्याज जो हम लोग फ्राई कर लेंगे। बस इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्च का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, उसको मैं भून लूँगी। देन इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर, टमाटर सॉफ्ट होने के बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर एंड ये जो बिरयानी मसाला है वो 1 चम्मच ऐड करेंगे। बस इसको सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। देन गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे एंड इसमें ऐड करेंगे दही, नहीं तो दही फटने का डर होता है, इसलिए गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ करना होता है। देन उसको भुनने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है पनीर एंड यहाँ पे जो सब्जियाँ मैंने ऐड की है, मटर, गाजर एंड बीन्स, कॉर्न, थोड़े से गोभी, ये सारे फ्रोजन है इसलिए मैंने लेट ऐड किया। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हो इन थोड़ा सा पहले ऐड करके उसको भुनना होता है, बट ये फ्रोजन है तो इसको बस मैं हल्का सा भुनूंगी, करीब 2 से 3 मिनट तक ही इसको भुनूंगी। देन इसमें पुदीने का पत्ता, धनिया पत्ता एंड हरी मिर्च थोड़ा सा ऐड कर देंगे, उसको भी हल्का सा भून लेंगे। देन चावल मैंने यहाँ पे 1 ग्लास लिया है, तो पानी मैं यहाँ पे 1.5 ग्लास ले रही हूँ, तो पानी में हल्का सा बॉईल आ जाए उसमें ऐड किया है नमक एंड यहाँ पे चावल को बस धो के रखा था वही ऐड कर दिया है। ऊपर से हम लोग ऐड करेंगे जो जैसे बिरयानी में ऐड होता है ना, धनिया पत्ता, पुदीने का पत्ता, फ्राइड अनियंस, थोड़ा सा आप लोग केसर वाला दूध भी ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ऊपर से ये जो फ्राइड अनियंस ऐड कर दिया एंड केवड़ा वाटर थोड़ा सा ऐड कर देंगे एंड देसी घी 1 चम्मच ऐड कर देंगे। तो बस इसको अभी हम लोग प्रेशर कुकर बंद करके 1 सीटी लगा देंगे एंड हमारा वेज बिरयानी जो है ये बन के रेडी हो जाएगा। मीनवाइल यहाँ पे जो मैंने कॉर्न चाट बनाने का सोचा था वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया है, जीत ने बोला कि वो ऑर्डर कर देंगे पनीर टिक्का बाहर से, तो यहाँ पे बस मैं सलाद बना लिया है। सलाद में लिट्टस, कुकुम्बर, बेबी टमाटोस एंड कॉर्न ऐड किया है, तो इसको मैं ऐसे काट के रख दिया है सील करके। सर्व करने से पहले इसमें नींबू एंड चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे एंड यहाँ पे जो वेज बिरयानी है ये भी बन के रेडी है। हमेशा बिरयानी को फोक से थोड़ा सा पहले मतलब चला देना ताकि ये चावल जो है वो टूटे नहीं। सलाद पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चेरी टमाटोज, ब्लैक ऑलिव, कॉर्न एंड ग्रीन एंड ऑरेंज बेल पेपर्स लिए हैं। देन पास्ता हमने यहाँ पे जो बॉईल करके रखा था ना उसमें ये सब कुछ ऐड कर देंगे। देन इसमें मैं ऐड करूँगी जो दही, 1 बड़ा चम्मच दही ऐड करेंगे। देन ये मस्टर्ड सॉस है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, तो मस्टर्ड सॉस में 2 चम्मच ऐड करूँगी। अगेन क्वान्टिटी के हिसाब से आप सब कुछ जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो 2 चम्मच मैंने मस्टर्ड सॉस ऐड किया है। देन इसमें मैं ऐड करूंगी हनी, हल्के से मीठापन के लिए हनी ऐड करेंगे, करीब 3 चम्मच हनी। ये वाला जो सलाद पास्ता ना सभी को पसंद आता है, बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो अगर आपने ट्राई नहीं किया तो बिल्कुल एक बार ट्राई करना। देन ये नॉर्मल वाला जो मेयोनीज है वो मैंने लिया है, करीब 5 चम्मच मैं ऐड करूंगी। बेसिकली हल्का सा सब कुछ कोटिंग अच्छे से हो जाए पास्ता के ऊपर उतना ही ऐड करना है। देन यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो लिया, आप कोई भी इटालियन हर्ब वगैरह वो जो है वो ले सकते हो। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे एंड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। बस इसको हम लोग मिक्स करके
कवर करके मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी। उसको ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस कोई भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पास्ता मिलते हैं, मैक्रोनीस मिलते हैं, तो आप किसी भी टाइप का यूज़ कर सकते हो, किसी में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग चिकन को मैरिनेट करके रखे थे उसको बना लेंगे, अफ़गानी चिकन जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, यहाँ पे जो मैरिनेटेड चिकन है उसको हम लोग हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, मतलब दोनों साइड से थोड़ा सा ब्राउन होने तक उसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस थोड़े से लिए हैं मैंने, तो इसको अभी दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी एंड देन उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो ऐसे मैं बैच बैच करके उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो सिमिलरली सारा मैं ऐसे पहले चिकन को जो है वो पहले फ्राई कर लूंगी। तो ये मेरा लास्ट बैच था, तो ये बनने के बाद इसमें मैंने सारे जो भी चिकन फ्राई करके रखे थे वो सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देन ऊपर से जो उसका जो ग्रेवी है जिसमें हमने मैरिनेट करके रखा था वो इसमें पूरा ऐड कर देंगे। हल्का सा बस, मतलब ये बर्तन को धो के हल्का सा बस पानी, करीब 4-5 चम्मच जो पानी है वो इसमें ऐड कर देंगे। देन इसको धीमी आँच में हम लोग कुक होने के लिए छोड़ देंगे, इस क्रीम के साथ में धीमी आँच में बिल्कुल। बहुत ही क्रीमी सा एक ग्रेवी बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर किसी ने कभी ट्राई नहीं किया तो बिल्कुल एक बार ट्राई करना। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रेवी बन के रेडी है। इसको सेमी ग्रेवी टाइप का ही रखना है, ना बिल्कुल ड्राई ना बिल्कुल ग्रेवी वाला, तो सेमी ग्रेवी रखना है। देन ऊपर से मैंने धनिया पुदीने का पत्ता जो है वो ऐड कर दिया है एंड कसूरी मेथी ऐड कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया, आप चाहो तो मैरिनेट करते टाइम भी कसूरी मेथी ऐड कर सकते हो। तो बस ये बन के रेडी है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पर मैंने जला हुआ कोयला लिया है थोड़ा सा उसको तंदूरी फ्लेवर देने के लिए। देन ऊपर से उसमें देसी घी ऐड कर दिया है। बस इसको हम लोग ढक के रख देंगे जब तक ये पूरा अच्छे से इसका जो स्मोक है, सारा जो फ्लेवर है चिकन में ना आ जाए। तो बस ये हमारा अफगानी चिकन जो है बन के रेडी है। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस भी सारा निकाल दिया है मोइतो बनाने के लिए। इसमें थोड़ा सा मैंने लेमन का जूस भी ऐड कर लिया है, थोड़ा सा मैंने चीनी ऐड कर दिया एंड यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ एंड ये पुदीने का पत्ता ऐड कर देंगे। बस इसको मैं मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी। जब इसको सर्व करना होगा तो आधा ग्लास मैं ये वाला जूस ऐड करूँगी एंड आधा मैं सोडा ऐड करूँगी। तो मेरा जो ऑरेंज मोइतो है ये भी बन के रेडी हो जाएगा। तो लगभग सब कुछ अभी बन गया है, बस मुझे अभी बूंदी रायता जो है वही बना लेना है एंड चावल रोटी। गाइस शिवान ने सारे कमेंट्स पढ़ता है, जो 800-900 कमेंट्स आते हैं सारे पढ़ता है। अब मुझे टाइम नहीं मिलता वरना मैं शिवा को काम दे देती हूँ कि वो कमेंट लाइक करेगा, रिप्लाई करेगा सारे कमेंट्स का। तेरे वाले वीडियो पे तुझे काम का ऑफर आया है ना, ऐसे बोलते हैं तुम भी यूट्यूब चैनल चलने दो। तो अपनी वाइफ को बोल कि उधर गांव से वो बनाएगी तेलुगु में। अच्छा। तेलुगु लोग तुझे दादा दादा देखते हैं ना, वो तो देखेंगे तुझे। मैं बोल दूंगी मेरे वीडियो में, फिर तेरे वाइफ को देखेंगे गांव से, तेरा बेटा कैसे गांव में तेरी माँ काम करती है खेतों में जाके, वो सब बोलते एक मिनट तुम्हारा घर दिखाओ, बाद में आपको बेटा को भी फोटो दे भेजो। नया घर जब शिवा गांव जाएगा तो गांव से वीडियो भेजना तेरा घर का वो सब। शिवा मतलब उसने बहुत स्ट्रगल किया है, तेरी माँ ने ना, है ना, उसकी माँ ने बहुत स्ट्रगल किया। उसके पापा ने मतलब पूछा नहीं उनको, दोनों बेटे और माँ को पूछा नहीं, तो अकेली माँ ने दोनों बेटों को पढ़ा के बड़ा किया और यहाँ दुबई भेजा। इसीलिए हमेशा शिवा हर बात पे माँ को जरूर बोलता है। गुड गुड। सो गाइज एज यूजल सब कुछ टाइम से पहले हो गया है, घर भी सेट है, टाइम 6:30 बजने वाले हैं, घर भी सेट है एंड किचन भी पूरा क्लीन हो गया है। शिवा को मैंने बुला लिया था, फ्राइडे आज छुट्टी था बट वो फ्री था तो वो आ गया, तो साथ मिलके सब कुछ कर लिया। तो किचन पूरा क्लीन है, यहाँ पे सब कुछ मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दूँगी जब सब लोग आ जाएंगे। जो फ्रिज में पास्ता वगैरह सब कुछ रख दिया है एंड यहाँ पे चिकन, वेज बिरयानी, मटन एंड यहाँ पे राइस बनेगा, वो तो बस खाने से पहले ही बनेगा।
एंड यहाँ पे गिफ्ट्स भी रख दिए हैं मोस्टली, मतलब जो एक पहली बार जो हमारे घर में आ रही है जो नई दुल्हन, उसके लिए कपड़े हैं एंड जो कपल वॉच है। एंड ये तो दो छोटे बच्चे आ रहे हैं तो बस बच्चों को ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते ना, तो इसीलिए बच्चों के लिए छोटा छोटा कुछ गिफ्ट लिया है। दैट्स इट, सब कुछ रेडी है, जीत गए हैं अभी बस मैंगो लेने के लिए। मीठे में और कुछ नहीं बना है, कोई भी खाता नहीं कभी भी मीठा, अगर खाना होगा तो देख लेंगे, घर में बहुत सारे मिठाई रखी है, बाकी मैंगो वगैरह हो जाएगा। तो चलिए गए, सब लोग आ जाएंगे तो मैं टेबल सेट करूंगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गई अभी, मैंने सरप्राइज ऑन किया, ठीक है सब कुछ सेट किया, लेकिन मुझे लगा वीडियो मैं बना रहा हूँ लेकिन बना नहीं पाया। बट कैसे हैं आप ये जरूर बताइएगा। देखिए बहुत ही मस्त एक सरप्राइज है जिसको ऑन किया। अच्छा वो भी तो है, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कुछ भी, तो फायदा नहीं हुआ। मिलिए मिस्टर सैम से, मिस्टर समीर, अनदर अर्चना, कैसे हैं आप सब लोग? एंड ये लेके आए मैजिक कुशन, ये दोनों। दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट, दिस इज नॉट स्मॉल, दिस इज वेरी नाइस जेस्चर, वी रियली लाइक इट। बट इससे पहले वाला क्लिप मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मेरी बीवी देख रही है वो हुआ क्यों नहीं है, मैंने वापस से रिकॉर्ड किया। मैं कहा ठीक है भैया, मैं पेशेवर नहीं हूँ अर्चना की तरह, बट ठीक है फिर भी यार इफेक्टिव तो हूँ। अच्छा, आप जरूर कमेंट करके बताना मुझे क्या डाउट हुआ तेरे को। जब यहाँ पे फोन रखा था तो वीडियो ऑन था, तो मुझे पता चल गया कि उन्होंने ऑन करके वहीं पे रख दिया। तो क्या हो गया, मतलब क्या बोलना चाहती है? अब मुस्कुरा मुस्कुरा के पेल रही है मुझे। वापस से मिलिए मिस अर्चना, मिस समीर, मिसेस हो गई, मिसेस बोलते हुए अजीब लगता है ना, लड़कियों को थोड़ा सा पिंच होता है इसलिए मैंने बोला। चलो जी, मिसेस समीर, फिर मिस अर्चना और मिसेस समीर। मैं क्या अर्चना, ये मिसेस समीर, यू आर मिसेस जीत। हनी बनी एज ऑलवेज अपने खिलौने में व्यस्त हो गए और अपने सरप्राइज जो उनको मिले अभी अंकल आंटी से उसमें व्यस्त हो गए। Say hi. Hi. Say hi. अफगानी कैसा है? अच्छा जबरदस्त। तब से समीर और समीर और अर्चना बोल रहे थे ना? पास्ता भी बहुत अच्छा बनाया है। चलो थैंक यू थैंक यू। बाकी कोई आए नहीं है तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तेरी मेहनत सारी सफल हो गई है। चलो अच्छा लगा, मैंने भी बहुत दिनों के बाद बनाया ना ये। मैंने बोला था कि मैं ईद में बनाऊंगी, आपने बोला नहीं मैं माटी हांडी मटन बनाऊंगा तो कैंसिल हो गया था। अच्छा, स्मूथ टेक्सचर। ये पनीर टिक्का ऑर्डर कर दिया था संगीता के लिए। जो भी नई नई मेंबर आएगी गाना गाएगा और एक गाने पे डांस करेगा। या तो गाना गा देना आप या डांस कर देना, फिर बक्कू गाना। स्ट्रॉबेरी चीज केक,
बहुत मस्त है इसका। ये मैंने पहली बार दीप्ति के पास खाई थी। अगेन अगेन स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन कवरिंग। फिर से पूछो फिर से पूछो। अच्छा दो चूहे थे छोटे छोटे मोटे मोटे। इन्हीं की पार्टी चल रही है। फोटो सेशन फोटो अंकल समीर अंकल न्यू मेंबर को पनिशमेंट मिला था कि गाना गाना है, बट सब लोग चले गए, हम लोग भूल गए। तो हिंदी में हाँ हिंदी में गा लो, हिंदी में उड़िया में किसी में भी गाना तो गाना होता क्या। हिंदी का कौन सा गाना गा लो। खाली रथा गाड़ी ची मूसा रधा वाली रे बाली रथा गाड़ी ची मूसा रधा वाली रे गुंडीचा गार थरे गुंडीचा गार थरे बसी जा मोरा थरी कालिया अरे बहुत बढ़िया। उड़िया में गाना का एक भजन है, उड़िया मतलब जगन्नाथ जी का भजन है, बहुत बढ़िया, बहुत लवली वॉइस है ना, लवली वॉइस। अभी पत्तू का हो जाए। वो आइसक्रीम खाने के बाद इसका गला खुल गया। तो भाई पता है मैं तो अच्छा नहीं गाता हूँ। पत्तू तो अंताक्षरी में मस्त गाता था। तो चलिए गाइस, अच्छा ये गाना चाहते हैं इसीलिए फत्तू को बोल रहे कि तू गा, क्योंकि हाँ नंबर आएगा इनका तभी बोल रहे हैं। गाओ जो बोलेंगे उसमें स्टाइल है। गाओ हरिओम शरणम का। हाँ गाओ। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया राम एक यार ये दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि प्रोत्साहन नहीं मिलता हम जैसे टैलेंट को। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया राम एक बलिहारी सारी दुनिया बलिहारी। सुनो लगता है आपको नींद आ रही है, एक बज गए जा। एक बहुत मस्त है। मैली चादर ओढ़ के कैसे एक्सप्रेशन मैच कर रहा है तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन मुस्कान। नहीं तो बंद करोगे। अरे हरिओम शरणम का बचपन में सुने थे भजन। अभी क्या बचपन याद आ गया क्या आपको? ऐसे किसी ने और ने भजन अच्छा गाया तो मैंने सोचा मैं भी एक अच्छा भजन। नहीं 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 प्लीज आप उसके सामने तो मत गाओ, बेइज्जती हो जाएगी आपकी। तो एक आजकल देख रहे हो आजकल ऐसे ऐसे दोस्त भी पिल जाते, कह रहे हैं इतना अच्छा तो मैं आपकी तरह गा नहीं सकता, मतलब बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छा गाए। उसको डर है कि तुम ना पत्थर मारो उसको। तो चलिए गाइस सब लोग जा चुके हैं, जो फर्स्ट आए थे उन्हीं को हमने रोक के रखा है। कि बैठो थोड़ा, कल तो छुट्टी है, बहुत टाइम के बाद मिले हैं ना इसलिए। बहुत टाइम के बाद इसमें नहीं है, कोविड ने तो सब बंद कर दिया और क्या, तो छुट्टी है। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अनजीत का गाना कैसा लगा बताना, एंड अर्चना का गाना तो ऑब्वियसली अच्छा है, भजन था जो भी हो।
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बोल दो। बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट, बाय बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। बाय। आशीर्वाद।